क्लास फोर कंप्यूटर पार्ट फोर। एक कंप्यूटर सिस्टम हैज़ डिफरेंट पार्ट दैट टुगेदर मेक इट वर्क। कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट पार्ट होते हैं जो कि मिलकर काम करते हैं। दिस इज़ पार्ट आर एस फ्लो। उसको हम नीचे के ये में पढ़ेंगे। पहला हार्डवेयर, सेकेंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। ऑल द इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड मेमोरी डिवाइस लाइक कीबोर्ड मॉनिटर सीपीयू हार्ड डिस्क ईटीसी आर द नोन एज हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ऑल द डिवाइस जैसे कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड मेमोरी डिवाइस और इसमें कीबोर्ड मॉनिटर सीपीयू हार्ड डिस्क आती है उसे हम हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। सम हार्डवेयर पार्ट्स आर नॉट डायरेक्टली विजिबल टू यू एज दे आर इनसाइड द सीपीयू। कुछ ऐसे भी हार्डवेयर के पार्ट होते हैं जिसे हम डायरेक्टली नहीं देख सकते जो कि सीपीयू के अंदर होते हैं, जो कि सीपीयू खुलेगा उसके बाद ही हम देख सकेंगे। सेकेंड इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट यू कैन टच और सी। सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जिसे हम नहीं देख सकते हैं और छू भी नहीं सकते हैं। इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल द हार्डवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर हमें बताता है कि कैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को काम करना है और टास्क करना है। लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। टेक ए गेम डीवीडी। यू कैन टच एंड सी द डीवीडी बट यू कैन नॉट टच द गेम स्टोर ऑन इट। जैसे कि हम एक गेम के डीवीडी को लेंगे उसे हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन जैसे वो डीवीडी में लगेगा उसके अंदर स्टोर गेम को हम छू नहीं सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तीन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सारे वर्किंग कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। यू नीड सिस्टम सॉफ्टवेयर टू रन ए कंप्यूटर। हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए कंप्यूटर में इसका ज़रूरी होता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इट मैनेज ऑल द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको मैनेज करने के लिए इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइन टू डू स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब ऑन कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन हम कुछ स्पेसिफिक टाइप के जॉब को करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू रन मूवीज़ एंड सॉन्ग्स इन विंडो मीडिया प्लेयर। जैसे कि हम कोई मूवी या सॉन्ग को विंडो मीडिया प्लेयर में चलाते हैं। विंडो मीडिया प्लेयर इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ स्पेशली डिज़ाइन टू प्ले एंड ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम स्पेशली डिज़ाइन किए रहते हैं जिसमें कि हम ऑडियो और वीडियो फाइल्स को देख सकें सुन सकें, इसलिए हम इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ ए टाइप ऑफ प्रोग्राम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का टाइप है डेट प्रोवाइड्स एडिशनल फीचर्स जो कि हमें आंतरिक फीचर्स के बारे में बताता है। फॉर डिफरेंट टास्क अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल यूजेज ऑफ एन एग्जिटिंग सॉफ्टवेयर जो कि हमें नॉर्मल यूज़ करता है एग्जिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए।